Hello students, this is Meenu, your English teacher from Happy Cambridge School. Let's continue our lesson. Maggie returned to Earth. The scientist whom she called John asked through the radio. Scientist जिसे कि मैगी जॉन कहती थी, उसने रेडियो से बात की उससे मैगी से और पूछा, माय मैगी हाउ डू यू फील? मेरी मैगी आप कैसा महसूस हो रहा है? अकेलापन हो रहा है? लोनली हो आप? और वो पहले से ही रो रही थी, तो आई फील सो लोनली जॉन. वो उसको बताती है साइंटिस्ट को कि वो बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही है. जॉन क्राइड टू कंसोल हर. जॉन ने उसको सांत्वना देने की, तसल्ली देने की कोशिश की और ही टोल्ड हर टू बी स्ट्रांग लाइक शी ऑलवेज वाज. और ये भी कहा कि स्ट्रांग बनो जैसे कि तुम हमेशा रहती हो स्ट्रांग. इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू डेज बिफोर शी कम्स बैक. उन्होंने कहा कि थोड़े ही दिनों की बात है फिर तुम वापस आ जाओगी. एक दूसरे साइंटिस्ट ने भी बात की जिसका नाम था मिल्टन. व्हाट डू यू सी आउटसाइड शुगर? उसने पूछा कि तुम क्या देख रही हो बाहर, इस एयरक्राफ्ट के बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मगर थोड़ी देर पहले आई सॉ द अर्थ. मैंने देखी थी पृथ्वी. इट वॉज गोइंग फार्दर फ्रॉम अवे फ्रॉम इट. और इससे दूर जा रही थी. सून, वो कहता है, फिर इनकी वार्तालाप चलती रहती है और कहता है कि सून, जल्दी ही, बहुत जल्दी ही हम फिर से यहीं पे होंगे. व्हेन इट वाज टाइम जॉन स्पोक टू हर वंस अगेन. जॉन फिर से उससे बात करता है और गुड बाय कहता है और उसे याद दिलाता है कि एक अच्छी लड़की की तरह टाइम से दवाई लेना और कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. तो मैगी ने भी जवाब दिया कि वो भी उसे प्यार करती है. 5 minutes later she took her medicine. 5 minutes बाद उसने दवाई ले ली और अपने आप को स्ट्रैप लगा लिए, बेड पर लेट गई. Because she needed to lie down while taking it. क्योंकि उसे दवाई लेते समय लेटना था. Then she injected the first bottle of liquid in her. और फिर उसने वो जो फर्स्ट बॉटल थी अपने अंदर इंजेक्शन के द्वारा ली, इंजेक्शन लगाया उससे भर के अपनी बाजू पर. Within a few seconds, थोड़े ही सेकेंड्स के बाद she fell asleep. वो सो गई. एक्चुअली शी स्लिप्ड इनटू ए टेम्पररी कोमा. एक्चुअली वो जो है वास्तव में वो एक जो परमानेंट नहीं, टेम्पररी जब कोमा के अंदर चली गई थी. व्हेन शी वोक अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब बहुत समय के बाद वो उठती है, शी फाउंड रेडियो इररिस्पॉन्सिव. वो देखती है कि रेडियो में से कोई रिस्पांस नहीं हो रहा, मतलब वो काम नहीं कर रहा. ही हैड शी हैड नेवर हर्ड फ्रॉम देम अगेन. और उसने कभी भी उन साइंटिस्ट से बात नहीं की, मतलब वहाँ से कोई आवाज़ बातचीत नहीं हो पाई. द अर्थ ए बिग बॉल ब्लू बॉल फ्लोटिंग इन द एम्प्टीनेस वॉज लुकिंग बिगर नाउ दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर. अब जो बड़ी सी उस खाली ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में या स्पेस में जो अर्थ की जो बॉल दिख रही थी, बड़ी सी बॉल यानी अर्थ दिख रही थी, वो पास आ रही थी. इसका मतलब ये था, बड़ी बड़ी दिख रही थी, इसका मतलब ये था कि वो अर्थ के पास आ रही थी. मैगी स्पेंड द 15 minutes शी गॉट आफ्टर वेकिंग अप दिस टाइम नियर द राउंड ग्लास विंडो वॉचिंग हर होम प्लेनेट फ्रॉम विच शी हैड बीन अवे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अब क्या था कि अब जो वो देख रही थी उस विंडो से कि किस तरह से जो विंडो है उसमें से उसको दिख रहा था कि प्लेनेट दिख रहा है, वो प्लेनेट जिससे कि उसको वहाँ से भेजा गया था. और मतलब अब उसके पास आ रही थी, तो हर हार्ट रेस जस्ट बाय लुकिंग एट. और उसका दिल जो है ना रेस लगाने लगा, मतलब तो उसका दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगा कि उसे जोर से चिल्लाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश थी. और उसके बाद उसने क्या किया, वंस शी गेट्स देयर, अब वो पहुंचने वाली थी अपने, शी थॉट शी एंड जॉन वुड गो टुगेदर टू विजिट मैनी प्लेसेस एंड शी ऑलवेज वांटेड टू गो. आफ्टर सीइंग देम ऑन टीवी जॉन हैड प्रॉमिस्ड हर टू टेक हर सो अम्यूजमेंट पार्क्स दे वुड गो शॉपिंग टुगेदर. अब क्या था, उसे ये इंतज़ार था कि वो नीचे जाए, जॉन से मिले और जॉन से मिलके और फिर वो सब दोनों मिलकर
वो सब उन सभी जगहों को विजिट करें, वहाँ सब जगह घूमें, शॉपिंग करें, जो जो उसने टीवी में देखा था, अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह सब कुछ। हर हेड वॉज फुल ऑफ थाट्स एंड आइडियाज़, उसके दिमाग में बहुत सारे थाट्स और आइडियाज़ चल रहे थे। शी वुड डू विद जॉन मिल्टन एंड अदर्स, जो कुछ भी वो करना चाहती थी जॉन के साथ, मिल्टन के साथ और दूसरों के साथ। वेन शी लैंड शी थाट शी वुड फाइंड दैम वेटिंग फॉर हर, उसे लगा कि जब वो लैंड करेगी तो सब उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। शी वुड वॉक आउट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट एंड रन इन टू जॉन्स आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स, और कहती कि वो दौड़कर जाएगी और जॉन की खुली हुई बाहों में जाके मतलब उसके गले लग जाएगी। शी स्टार्टेड टू सॉब, फिर वो सुबकियाँ लेने लगती। शी वॉज अलोन हेयर, अभी तो वो अकेली थी वहाँ पर। देर वॉज नो बडी टू कंसोल हर और वाइप अवे हर टीयर्स, अब वहाँ पर कोई नहीं था जो उसको तसल्ली दे सके, उसको शांत कर सके या उसके आंसू पोंछ सके। आफ्टर सम टाइम शी कंपोज हर सेल्फ बाई रिमेम्बरिंग जॉन्स वर्ड्स टू बी स्ट्रांग एंड अ गुड गर्ल, अब थोड़ी देर बाद ही उसने अपने आप को जैसे संभाला, उसे याद आए जॉन के वर्ड्स जो कि उसने जो कहा था कि स्ट्रांग रहना है, अच्छी लड़की बन के रहना है। शी वेंट टू रेफ्रिजरेटर एंड टुक द लास्ट बॉटल ऑफ आर 35 एंड सील्ड सिरिंज, अब लास्ट बॉटल जो फ्रिज में उस मेडिसिन की रह गई थी आर 35 की, उसने निकाली। पुशिंग अगेंस्ट द वॉल शी फ्लोट टू हर बेड एंड पुल्ड ऑन द स्ट्रैप्स, वो बैठती है मतलब बेड के ऊपर लेट जाती है और स्ट्रैप्स लगा लेती है। अब लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो चुका था। शी थॉट दैट दे टोल्ड हर टू हर इट वुड ओनली बी फॉर फ्यू डेज, बट मगर वो सोचती है कि इन्होंने तो मेरे को ये कहा था कि थोड़े ही दिनों की बात है पर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ रीड द लेसन, थैंक यू।